हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में एक कॉम्पैक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी जो है लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन SPF 40 PA ट्रिपल प्लस UVA एंड UVB वाला ये प्रोडक्ट है। और इस तरीके की येलो कलर की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। 220 रुपये इसका MRP है और 7 ग्राम इसकी क्वांटिटी है। ऑनलाइन अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो शायद ये आपको कम ही प्राइस में मिल जाए। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और अंदर से इसकी पैकेजिंग, इसके अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको मिरर भी देखने को मिलेगा, मिरर भी आपको इसके अंदर लगा हुआ मिलेगा। और ये इस तरीके से इसके अंदर, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका जो एप्लीकेटर है वो आपको मिलेगा और ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे लगा करके दिखाऊंगी और एक तरफ मैं फाउंडेशन के ऊपर इसे लगाऊंगी और एक तरफ मैं इसे मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाऊंगी ताकि आपको इसका जो कवरेज है वो देखने को मिले कि फाउंडेशन के बाद में ये कितनी कवरेज आपको देता है और मॉइस्चराइज़र के बाद में ये आपको कितनी कवरेज देता है। क्योंकि होता ये है कि बहुत से लोग डेली में फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें हल्के फुल्के कवरेज की ही आवश्यकता होती है। तो मैं आपको दोनों तरीके से लगा करके दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को टोनर से टोन करूँगी क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन के लिए। जब भी हम कोई भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रेट होना आपकी स्किन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ देर इसे ड्राई होने देते हैं। फेस पर मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, निविया सॉफ्ट का बेरी ब्लॉसम वाला ये जो फेस मॉइस्चराइज़र है इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मॉइस्चराइज़र पूरे ही फेस पर अप्लाई करूँगी मैं। मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया है और उसके बाद में अब अप्लाई करने वाली हूँ मैं प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में और काफ़ी अच्छी सी एक स्मूथ सी फिनिश आपके फेस पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें, आपके पास है अवेलेबल तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये जो प्राइमर है ये है नायका प्रेपमी अप फेस प्राइमर और इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा ही लूँगी बस, और जो भी मेरे टी जोन एरिया है उन पर ही मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। प्राइमर को ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है, हल्का सा डैबिंग मोशन में ही इसे लगाना होता है। और प्राइमर भी लग चुका है और अब मैं आपको एक साइड में फाउंडेशन के ऊपर ये कॉम्पैक्ट लगा करके दिखाऊंगी और एक साइड में सिर्फ प्राइमर और मॉइस्चराइज़र के ऊपर ये प्रोडक्ट आपको लगा करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने लिया है फाउंडेशन, लैक्मे 925 का प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन है ये। और इसके अंदर जो मेरा शेड है ये है W160 वार्म सैंड, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो फाउंडेशन है ये। इसका भी रिव्यू आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और ये मैंने लिया है, और अब इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे।
फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट वाला कॉम्पैक्ट। और ये इस तरीके से मैंने ओपन किया है, और इसके अंदर का जो ये स्पॉन्ज है ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पॉन्ज है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ तरीके से आपकी स्किन पर अप्लाई कर देता है प्रोडक्ट को। तो आइए अब मैं इसे तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों तरफ डिफरेंस काफ़ी अच्छी तरीके से मैट फिनिशिंग इस कॉम्पैक्ट ने दी है। जैसा इसमें लिखा हुआ है नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन ये आपको देता है, तो काफ़ी ज़्यादा और अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट है ये, तो मैट फिनिशिंग आपको देता है। तो जिनकी स्किन ऑयली ज़्यादा रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में ही ऑयल आने लगता है, सेपरेट होने लगता है स्किन से, तो वो इस तरीके का जो प्रोडक्ट है यानी कि ये जो लैक्मे सन एक्सपर्ट वाला जो प्रोडक्ट है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कवरेज भी इसने दिया है, आप देख सकते हैं। फाउंडेशन के ऊपर मैंने इसे अप्लाई किया है, और अब मैं आपको इधर मॉइस्चराइज़र के ऊपर मैं इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, और देखते हैं कि ये कितनी कवरेज देता है। तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन की वजह से इधर आपको थोड़ा सा कवरेज दिखाई दे सकता है, और ये जो साइड है इसमें आपको एक मैट लुक दिखाई देगा। कवरेज की बात मैं करूं तो कवरेज इतना नहीं है इसका। अगर आप फाउंडेशन के साथ में इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मैट लुक भी देता है, कवरेज भी हल्की सी आपको मिलेगी इससे। और ये सिर्फ इसके अंदर जो ये क्लेम करता है अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट है ये, यानी कि आपको एक मैट लुक देता है ये। किसी भी फाउंडेशन के बाद में आप अगर कोई कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो यही काम करता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट पहले अप्लाई किया है उसकी ऑयलीनेस को वो कम कर दे और बिल्कुल ही मैट लुक आपको दे दे। तो इधर भी मैंने इसे मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाया है तो काफ़ी अच्छा मैट लुक आया है, बस कवरेज ही थोड़ा सा कम आपको लग सकता है। बाकी ओवरऑल डेली में अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीबी क्रीम के ऊपर भी इसे आप अप्लाई कर, और हाथ पर मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कि शेड किस तरीके का है। ये आप देख सकते हैं, काफी स्मूथ सी फिनिश और काफी अच्छा टेक्सचर लगा मुझे इस प्रोडक्ट का। तो आप डेफिनेटली इसे ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और अभी आपको ये ऑफ़र में भी मिल जाएगा तो कम ही प्राइस में आप इसे ले सकते हैं। ओवरऑल मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।